सावन दिल में आओ मेरे दिल को अपना समझो मेरा दिल तेरा घर घर में आओ मेरा दिल तेरा घर घर में आओ तेरा मेरा जो है नाता ओ है प्यारा है विदाता तू अंधेरे को मिटाता तू जाला लेके आता तू है मेरा तू स्वामी तू दाता तू है मेरा तू स्वामी तू दाता मेरे भगवान दिल में आओ मेरे दिल को अपना समझो क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों सबों को जय यीशु जय यीशु। आज का मिस्सा का मतलब इस तरह से है और ये भाई बहन लोग आज का मिस्सा का भेंट चढ़ाए हुए हैं श्री सिल्वानुस कुल्लू और परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिस्सा चढ़ाया जा रहा है। इस वर्ष से अच्छी आशीर्वाद के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए वे लोग प्रार्थना करने के लिए इस मिस्सा बलिदान में बलि चढ़ाए हुए हैं। मार्कुस हसदा धन्यवादी मिस्सा और मार्कुस हसदा और परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। गैब्रियल बाबा एवं परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। पीटर एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी धन्यवादी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। प्रभा एवं परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। जेम्स एवं परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। अनिता एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। राजेश कुल्लू एवं उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। अजय और परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। प्रीति और इनोसेंट की परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। जॉर्ज लुगुन और परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। कुलदीप खेश और परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। अजीत और अनिमा कुजूर की परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। सरोजनी और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। मिस तेजश्री और उनके परिवार की ओर से धन्यवादी मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। मिसेस ग्लोरी और परिवार की ओर से सुख शांति और आनंद के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। मिस अनु के लिए और उनकी एक अच्छा दुल्हा मिल जाए उनके लिए पवित्र मिस्सा बलि चढ़ाई जा रही है। मिसेस विजया के लिए और उनकी परीक्षा में प्रमोशन के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। सुधीर और सुशील रेड्डी के लिए सुशीला रेड्डी के लिए और सनातन के लिए मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। मिस आरुषी अरिका और अनिता के परिवार के लिए ये मिस्सा बलिदान चढ़ाई जा रही है। आइए हम लोग उन भाई बहनों को भी याद करें जो कोविड से कोरोना से पीड़ित हैं। उनको ईश्वर हमेशा अपने छत्रछाया में रखे और खासकर जितने भी भाई बहन लोग रेलवे डिपार्टमेंट में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हैं और जितने भी बोलूगड़म में मिस्सा बलिदान में भाग लेते हैं हमारे हिंदी भाई बहन लोग उनके लिए हम लोग खास रूप से प्रार्थना करते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपको भी। और एक बार सबों को जय यीशु जय यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों आज
हम लोग वर्ष का 12वां इतवार में प्रवेश करते हैं। आज सारा विश्व कोरोना महामारी से पीड़ित है और बहुत लोग इस बीमारी से अपने जान माल को गवा दिए, अपना नौकरी को गवा दिए, अपना जो कुछ भी है बहुत चीज गवा दिए, और ख़ासकर हमारे परिवार से भी बहुत भाई बहन लोग गुजर चुके हैं। और हम लोग इस भयानक महामारी से अपने जीवन में बहुत ही उजड़ चुके हैं। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम लोग आज के पवित्र तीनों पाठों में देखते हैं, तो पहला पाठ हम लोगों को इस तरह से बताया जाता है कि योब के ग्रंथ में देवी शक्ति के विषय में अभिव्यक्त किया गया है। सभी इसराइली पूर्ण रूप से अवगत थे कि केवल ईश्वर ही सृष्टि है, ईश्वर ही एक जीवनदाता प्रभु ईश्वर है, लेकिन वे लोग देवी देवताओं को मानते थे। और इस महामारी कोरोना में भी हम लोग आज भी देवी देवताओं को मानना शुरू कर दिए हैं, ईश्वर पर भरोसा छोड़ दिए हैं, ईश्वर पर भरोसा ही नहीं करते हैं, अपना जीवन सिर्फ अपने लिए जीना शुरू कर दिए हैं। और हम लोग अपना जीवन सिर्फ और सिर्फ अपना शरीर के लिए जी रहे हैं, लेकिन प्रभु ईश्वर हम लोगों को इस तरह से कहते हैं कि हम लोगों को आध्यात्मिक जीवन में अपना जीवन ईश्वर को दें और अपने जीवन में सुरक्षित रहने के लिए अपने पापों पर पछतापा करें। दूसरा पाठ पर हम लोगों को संत पेत्रुस और संत पौलुस इस तरह से बतलाते हैं कि धर्मतारियों से कहते हैं कि उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि ख्रिस्तीय होने का क्या तात्पर्य है। उन्हें एक नया जीवन दिया गया है, जब प्रभु येसु उनके लिए मरे और जी उठे, वे उन्हें आशान्वित करते हैं कि किसी का प्रेम इससे बढ़कर नहीं जो अपने जीवन दूसरों के लिए गवा दे। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर हम लोग ख्रिस्तीय जीवन में अपना जीवन और अपना कदम बढ़ा चुके हैं, तो हम लोगों को कभी नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर हम लोगों को छोड़ दिया है। खासकर इस महामारी में ईश्वर कभी हम लोगों को नहीं छोड़ा है और हम लोगों को कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि प्रभु ईश्वर हम लोगों के साथ अभी है, कल भी रहेंगे और अनंत काल तक भी रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, और आज के सुसमाचार में हम लोगों को प्रभु ईश्वर इस तरह से बताना चाहते हैं कि हम लोगों को कभी भी घबराना नहीं चाहिए, भले ही कोई भी दुर्घटना और कोई भी जिंदगी में मरण क्यों ना आ जाए, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। और इस महामारी काल में अगर हम लोग घबरा जाते हैं, अपने आप पर हम लोग लूट जाते हैं और अपने आप को देखने लगते हैं, तो सचमुच में हम लोग ईश्वर को खो देंगे। आइए हम लोग ईश्वर को ना खोएं, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ हमेशा है। आइए हम लोग अपने मन दिल को दृढ़ रूप से आत्मविश्वास से ईश्वर की ओर लगाएं, ताकि ईश्वर हम लोगों को अपना जीवन दे सके और हम लोग ईश्वर को पूरा अच्छी तरह से समर्पित कर सके। और ख़ासकर इस कोरोना काल में शायद तीसरा लहर भी आ सकती है, तो अपने आप को हम लोग हमेशा सजग और सतर्क रहें, ताकि ईश्वर शायद उसी समय हमारे पास भी आ सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने जीवन में अपने आप को हमेशा सजग और सुदृढ़ बनाए रखें, ताकि प्रभु ईश्वर हमेशा हमारे साथ रहे, ताकि हम लोगों को जो कुछ भी दिक्कत आए, प्रभु ईश्वर हम लोगों के साथ हमेशा खड़ा होकर अपना जीवन दे सके और उनके द्वारा हम लोग अपना जीवन बिता सके। थोड़ी देर मौन रहकर अपने अपने पापों को ईश्वर के समक्ष रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु ईश्वर हम लोगों का पाप क्षमा करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से सब सर्वदूतों और सब संतों और आप लोगों से हे भाई और बहनों विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। मेरे प्यारे दोस्तों,
पापों से दूर हो। मेरे प्यारे दोस्तों पापों से दूर रहो, क्षमा करके आनंद मनाओ, दूसरों को प्रेम करो, क्षमा करके आनंद मनाओ, दूसरों को प्रेम रखो। तू ही हमारा जीवन दाता, मुझ पर क्षमा करो, तू ही हमारा जीवन दाता, मुझ पर क्षमा करो। ऐ मेरे प्यारे दूर रहो, हे मेरे प्यारे दोस्तों पापों से दूर रहो, क्षमा करके आनंद मनाओ, दूसरों को प्रेम करो, क्षमा करके आनंद मनाओ, दूसरों को प्रेम रखो। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग तालियां बजाकर ईश्वर की स्तुति महिमा गान गाएं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूख पर शांति सुजन को। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। हम तेरी प्रशंसा करते हैं, धन्य तुझे हम कहते हैं। तेरी आराधना करते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सुजन। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर स्वर्ग लोक के स्वामी है। इकलौते प्रभु यीशु ख्रीस्त है, तेरा गुणगान करते हैं। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सृजन को। जग का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। जग का पाप तू हर लेता है, हम पर दया तू कर दे। पिता की दाएं विराजमान है, हमारी विनती सुन ले। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सृजन को। स्वर्ग में महिमा परमेश्वर की हो, भूमि पर शांति सृजन को। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। तू ही पावन, तू ही प्रभु है, तू ही पवित्र आत्मा के संग। पिता की महिमा सर्वपरी है, तेरी महिमा होती है। आमीन 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 आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनाता और उनका जीवन संचालन करता है। हमें दया पूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र आत्मा के नाम की गुंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते रहते हैं। पहला पाठ, आज का पाठ योब का ग्रंथ से लिया गया है, अध्याय 38 पद संख्या 1 8 से 11 तक। प्रभु ने आंधी में से अय्यूब और योब को इस प्रकार उत्तर दिया। जब समुद्र गर्त में से फुट निकलता है तो किसने द्वारा लगाकर उसे रोका था? मैंने उसे बादलों की चादर पहना दी थी और कुहरे के वस्त्र में लपेट लिया था। ईश्वर विमर्शकारी प्रताप से विभूषित है, सर्वशक्तिमान सर्वोपरि और अगम्य है, फिर भी वह मूर्तिमान न्याय है और किसी पर भी अत्याचार नहीं करता। इसलिए सभी मनुष्य उस पर श्रद्धा रखते हैं, किंतु जो लोग अपने को बुद्धिमान समझते हैं ईश्वर उनका ध्यान नहीं रखता। मैंने उसकी सीमाओं को निश्चित किया था और द्वार का सिटकनी लगाकर उससे यह कहा था, तू यही तक आ सकेगा, आगे नहीं। तेरी तरंगों का घमंड यही चूर हो जाएगी। यह प्रभु का वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पाठ से आज का दूसरा पाठ लिया गया है, अध्याय 6 पद संख्याएं 14 से 17 तक। आप लोग अविश्वासी के साथ मेलम जुए में मत जूतें। धार्मिकता का अधर्म से क्या, ज्योति का अंधकार से क्या संबंध, मसीह की बोलियार से क्या संगीत, विश्वासी के अविश्वासी से क्या सहभागिता, ईश्वर के मंदिर का देव मूर्तियों से क्या समझौता, क्योंकि हम जीवंत ईश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि ईश्वर ने कहा, मैं उनके बीच निवास करूंगा और उनके साथ चलूंगा, मैं उनका ईश्वर हो जाऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। इसलिए दूसरों के बीच से निकलकर अलग हो जाओ और किसी अपवित्र वस्तु का स्पर्श मत करो, यह प्रभु का कहना है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। Alleluia, Alleluia,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु येसु कहेला हमरे के याद मोर वचन के सुनावा सोबे के मोर नाम के सुनावा दुनिया में। प्रभु येसु कहेला हमरे के याद मोर नाम के सुनावा सोबे के मोर नाम के सुनावा दुनिया में। अल्लेलुया 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 अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार क्रिस्त की जय। संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक। अध्याय 4 पद संख्याएं 35 से 41 तक। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नाव भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झांझा बात उठा, लहरें इतने जोर से नाव से टकरा रही थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार। क्रिस्त की जय। मेरे प्रिय माता पिता, भाई और बहनों, दोस्तों, मित्रों और साथियों, आज हम लोग सामान्य काल का 12वां रविवार में यानी कि इतवार में प्रवेश कर चुके हैं और आज के वचन में प्रभु येसु हमें यही संदेश देते हैं कि कैसे हम लोग अपने विश्वास को प्रभु के ऊपर प्रकट करें और अपने विश्वास को दृढ़ बनाए, अपने विश्वास में जिंदगी जिए और अपने विश्वास अपने भरोसा प्रभु के ऊपर रखें, ताकि हम लोगों को अंधकार से रोशनी की ओर, ज्योति की ओर या प्रकाश की ओर ले जाएगा। हम लोगों को मृत्यु से अनंत जीवन प्राप्त होगी और हम लोग शैतान से छुटकारा पाकर प्रभु की ओर चले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। और इसलिए
प्रभु यीशु आज हम लोग से यही सवाल करते हैं, यही सवाल पूछते हैं, बल्कि उन लोगों उनके शिष्य लोगों को ही नहीं, लेकिन आपसे और मुझसे यही सवाल करते हैं, आपकी विश्वास मेरे ऊपर कितना है, कितना मजबूत है, कितना दृढ़ है, और क्या आप लोग मेरी उपस्थिति में, मेरी छत्र छाया में अपना जिंदगी बिताते हो, या जिंदगी बिताने के लिए कोशिश करते हो, या अपने जिंदगी को मेरे साथ मेरे ऊपर सौंप देते हो? यही सवाल आज प्रभु आपसे और मुझसे करते हैं, मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 1:37 में पढ़ते हैं कि ईश्वर के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है, क्योंकि हमारा ईश्वर जो है जीवंत ईश्वर है, अनंत ईश्वर है, वो बचाने वाला ईश्वर है, वो सृष्टि करता है, मुक्ति दाता है, जीवन दाता है, शांति दाता है, शक्ति दाता है, उसके लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, इसलिए आज का पहला पाठ में हम लोग जैसे कि सुने कि मेरे लिए जो समुद्र में, जो समंदर में, दरिया में जो गर्त निकालती है, उसको मैं बादल के छाया से या कटवस्त्र पहना कर उसको मैं रोक सकता हूँ और रोका हूँ। हम लोग देखते हैं निर्गमन ग्रंथ में अध्याय 14 में, पद संख्या 14 में मूसा नबी कहते हैं, आप लोग धीराज रखो, प्रभु पर भरोसा रखो, वो आज आप लोग के लिए युद्ध करेंगे, आपके लिए लड़ेंगे। और हम लोग देखते हैं प्रभु ने अपने बाहुबल प्रदर्शित करके, अपने बाहुबल दिखाकर, अपने बाहुबल के द्वारा, अपने सामर्थ्य के द्वारा, अपने शक्ति के द्वारा लाल सागर को दो भाग में विभाजित कर देते हैं, और आपने प्रजा की रक्षा करते, सुरक्षा प्रदान, मुक्ति प्रदान करते हैं मिस्रियों के गुलामी से, मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। और वही ईश्वर आज हम लोगों के सामने उपस्थित है प्रभु यीशु के रूप में, प्रभु यीशु के द्वारा, और वही प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर है, जीवंत ईश्वर है, बचाने वाला ईश्वर है, जो भला गड़ेरिया है, जो आपके लिए मेरे लिए क्रूस पर चढ़ गए हैं और अपना जिंदगी, अपना जीवन कुर्बान कर दिए हैं, बलिदान के रूप में दे दिए हैं हम लोग को मुक्ति दिलाने के लिए, और उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और इसलिए पहला पाठ में हम लोग को यही संदेश मिलती है कि प्रभु जब आंधी तूफान को रोक सकता है, थाम जा बोलने से थाम जाती है, तो प्रभु के लिए क्या असंभव होगा, मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। सिर्फ प्रभु हम लोग से यही चाहते हैं कि हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहें, प्रभु की सन्निध्य में रहें, प्रभु की छत्र छाया में रहें, प्रभु को अपनाएं, प्रभु को अपने दिल में, अपने मंदिर में, अपने शरीर में, अपने जिस्म में जगह दे, प्रभु के लिए जगह बनाएं, घर बनाएं, प्रभु के लिए निवास स्थान बनाएं, और उनके ऊपर भरोसा रखें, उनके ऊपर विश्वास रखें। हम लोग स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु के ऊपर विश्वास करो, तो आपके लिए मुक्ति है, और आपके लिए जिंदगी है, आपके लिए चंगाई है, आपके लिए सुरक्षा है, आपके लिए जीवन है, आपके लिए मुक्ति है, शांति है, शक्ति है। लेकिन आपके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ प्रभु के ऊपर भरोसा रखो, प्रभु के ऊपर विश्वास रखो, और अपने विश्वास को और भी मजबूत, और भी दृढ़ बनाओ। आपके विश्वास एक पत्थर, एक महा चट्टान के तरह शक्तिशाली, दृढ़ होनी चाहिए, मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। और जब हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे, तो ना कोई आंधी, ना कोई तूफान,
ना कोई ये दुनियादारी, ना दुनिया का कोई समस्या, ना शैतान, ना शैतान का जाल जंजाल, ना मृत्यु, ना मौत, कुछ भी हम लोग को डरा नहीं सकता, हरा नहीं सकता, बल्कि वो हम लोग को छू भी नहीं सकता, स्पर्श भी नहीं कर सकता, जब हम लोग प्रभु के उपस्थिति में रहते हैं, प्रभु की सानिध्य में रहते हैं, प्रभु की छत्र छाया में रहते हैं, तो कोई भी दुनिया का ताकत हमसे लड़ने के लिए 100 बार सोचेगी और अपने आप को पीछे हट जाएगी, अपने आप को दूर हट जाएगी, जब अगर हम प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। अगर हम प्रभु की उपस्थिति में नहीं रहेंगे तब तो बहुत आसानी से शैतान हम लोग को अपना गुलाम बना सकता है, शैतान हम लोग को अपना दास बना सकता है और अंधेरा छा जाएगा हमारी जिंदगी में, जैसे कि आज की सुसमाचार में कहा गया है, प्रभु स्वयं कहते हैं आपकी विश्वास कहाँ है, और जब प्रभु है हमारे साथ तो हमको सब कुछ मिल जाता है। और काल के सुसमाचार में हम लोग सुने थे, आप पहले प्रभु की राज्य के ऊपर अपना मन, अपना दिल लगाओ, प्रभु की राज्य के लिए काम करो तो आपको सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ मिलेगा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 6:33 में हम लोग कल पढ़े थे। जो लोग हमारे अंग्रेजी मिशा में भाग लिए होंगे उन लोगों को जरूर पता होगा कि काल के सुसमाचार में प्रभु स्वयं यही कहते हैं कि पहले आप लोग अपना मन, अपना दिल, अपना सब कुछ ईश्वर के राज्य पर, परमेश्वर के राज्य के ऊपर लगाओ और उनके राज्य के स्थापना के लिए, स्थापित के लिए काम करो और आप लोग को सब कुछ दिया जाएगा, सब कुछ आप लोग प्राप्त करोगे, सब कुछ आप लोग को मिल जाएगा। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, और आज के सुसमाचार में प्रभु कहते हैं कि विश्वास में बने रहो, दृढ़ विश्वास हो और मुझ में बनी रहो, मेरे उपस्थिति में रहो। इसलिए मैंने कहा अगर प्रभु की उपस्थिति में है तो ना शैतान हमको डरा सकता है, लड़ सकता है, छू सकता है, ना मृत्यु हमको डरा सकता है, ना अंधेरा या अंधकार हम लोग को छा सकता है, लेकिन हम लोग के जिंदगी में बल्कि रोशनी ही रोशनी हो जाएगी, उजाला ही उजाला हो जाएगी, ज्योति ही ज्योति बन जाएगी हमारी जिंदगी में, मौत के बदले हम लोग को अनंत जीवन मिलेगा। इसलिए हम लोग संत पौलुस के पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 15:55 में पढ़ते हैं। 55 में कहा जाता है, हे मृत्यु, हे मौत, कहाँ है तेरी विजय, कहाँ है तेरी जीत, प्रभु के सामने तू हार चुका है, क्योंकि प्रभु यीशु ने अपने पैरों में वो मौत को, मृत्यु को कुचाल डाला और पुनर्जीवित हो गया, और उस पुनर्जीवित होकर उसके पुनरुत्थान से हम लोग को अनंत जीवन मिली है। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, इसलिए विश्वास सबसे बहुत ही जरूरी है हम लोग के लिए, एक क्रिश्चिय माता पिता भाई बहनों के लिए, एक ईसाई के लिए जो प्रभु यीशु के नाम लेते हैं, प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा लिए हैं, एक ईसाई के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए विश्वास एक बहुत ही बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत महान चीज़ है। विश्वास होना बहुत ही जरूरी है। किसके ऊपर? अपने ऊपर नहीं, अपने ऊपर नहीं, आपके ताकत के ऊपर नहीं, आपके सामर्थ्य के ऊपर नहीं, आपके शक्ति के ऊपर नहीं, आपके जो वरदान ईश्वर ने दिया है उसके ऊपर नहीं, आपके जो वृत्ति है, धंधा है, उसके ऊपर नहीं, आपके जो पोजीशन है, नाम है, नाम गवाए हैं, पैसा कमा रहे हैं, लोग आपको मैडम सैल्यूट बोल और सार बोल के सैल्यूट करते हैं, उसके ऊपर भरोसा नहीं करने का, उसके विश्वास नहीं रखने का, बल्कि स्वयं प्रभु के ऊपर भरोसा रखने का है। हमारे ये प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है जो अपना जिंदगी हम सबके लिए, आपके लिए, हम सबके मुक्ति के लिए, परित्राण के लिए दे दिया है बलिदान के रूप में, इसके ऊपर भरोसा रखो। इसलिए संत पापा योहन पल द्वितीय यह कहते हैं कि हमारा विश्वास ईश्वर में शरीर धारण किया जिससे हम उनके मित्र बन सके। मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ,
हमारा विश्वास ईश्वर में शरीर धारण किया जिससे हम उनके मित्र बन सके। यानी कि हमारा जो विश्वास प्रभु के ऊपर है वही शरीर धारण किया किसके रूप में, प्रभु स्वयं प्रभु यीशु ख्रीस्त के रूप में। इसलिए हम लोग संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1:14 में पढ़ते हैं, और वो शब्द देह बना शरीर बना और हमारे बीच में डेरा डाला। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, वही है हमारा ईश्वर। और हमारे ईश्वर के लिए इसलिए मैंने कहा कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन हम लोगों को अपने ईश्वर को अपने दिल के मंदिर में अपने शरीर के मंदिर में न्योता देना चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, उनको गले लगाना चाहिए, उनको पापी देना चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज दुख की बात यह है कि सारे क्रिश्चिय समुदाय सारे क्रिश्चिय भाई और बहनों प्रभु के ऊपर भरोसा नहीं रखते हैं, अपने ऊपर खुद के ऊपर भरोसा रखते हैं, खुद के जो नाम कमाए हैं पैसा कमाते हैं या पावर पोजीशन है या दुनिया में लोग उनको सलाम ठोकते हैं नमस्ते बोलते हैं उनके ऊपर भरोसा रखते हैं, उनके ऊपर विश्वास रखते हैं। और इसलिए शैतान आकर बहुत आसानी से उन लोग को प्रभु की ओर से दूर ले जाते हैं और ज्योति से दूर लेकर अंधेरा या अंधकार की ओर ले जाते हैं, जिंदगी से या अनंत जीवन से दूर लेकर उन लोगों को अंधेरा में या शैतान की जाल जंजाल में फंसा देते हैं। मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, इसलिए आज हम लोग को प्रभु के ऊपर भरोसा रखने चाहिए। कैसे हम लोग ये जिंदगी जिएंगे, कैसे प्रभु के ऊपर प्रभु के वचन के अनुसार चलेंगे जिएंगे, जैसे कि पहले विनती प्रार्थना के जरिए। विनती प्रार्थना बहुत ही जरूरी है, एक क्रिश्चियन एक क्रिश्चिया के लिए विनती प्रार्थना बहुत ही जरूरी है। दूसरा, हम लोग को विनम्र या नम्र होनी चाहिए, जैसे प्रभु ने कहा कि जो लोग नम्र बनते हैं उन्हें ऊपर उठाया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को ऊपर उठाते हैं उनको नीचे गिराया जाएगा। तीसरे, हम लोग को प्रभु के समान पवित्र रहना चाहिए, पावन रहना चाहिए, जैसे कि लेवियों का ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं अध्याय 19:2 में, तुम पवित्र रहो पावन रहो जैसे मैं पवित्र हूँ मैं पावन हूँ। और संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 1:15-16 में भी पढ़ते हैं, तुम लोग पवित्र रहो पावन रहो क्योंकि जिसने तुम्हें बुलाया है वो भी पवित्र है। चौथा, हम लोग प्यार के जरिए प्रभु के साथ रह सकते हैं, प्रभु को अपना सकते हैं, प्रभु को अपने दिल में अपने जिस्म में अपने मन में जगह दे सकते हैं प्यार के जरिए, जैसे कि प्रभु यीशु ने हम लोग को दिया है संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13:34, अध्याय 15:12-13, और संत पौलुस का पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 13 भी प्यार के बारे में बोलते हैं। प्यार के जरिए भी हम लोग अपने विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं। और पांचवा, हम लोग प्रभु के वचन को अपना के प्रभु के ये वचन को प्रभु के ये वाणी को प्रभु के ये संदेश को अपना के रोज मन लगा के दिल लगा के पढ़ेंगे तो हम प्रभु की उपस्थिति में रहेंगे। और चौथा, प्रभु संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 7:50 में कहते हैं, हे पुत्रियाँ आपके विश्वास ने आपको अच्छा किया, चंगाई मिली आपको चंगा किया जाओ। और उसी तरह हम लोग भी इस विश्वास में दृढ़ रहेंगे। और तीसरी बात, एक दूसरे को मदद करके, सातवीं बात, एक दूसरे को मदद करके एक दूसरे को सहायता करके भी हम लोग प्रभु के उपस्थिति में प्रभु की सानिध्य में रह सकते हैं, प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं। और आठवीं बात, हम लोग कैसे रह सकते हैं कि सब पाप काम सब कुप कर्म को छोड़ के पाप को त्याग करके एक पवित्र जीवन एक पावन जीवन हम लोग को जीना चाहिए, क्योंकि हमारा प्रभु हमारा ईश्वर प्रभु यीशु मसीह स्वयं
पवित्र है तो आपको और मुझे भी पवित्र रहना चाहिए और उसके जरिए भी हम लोग प्रभु की उपस्थिति में रह सकते हैं और प्रभु हमारे जिस्म में हमारे शरीर में आके निवास कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग संत पौलुस का पहला पत्र कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 16 में पढ़ते हैं, आपका शरीर परमेश्वर का मंदिर है, पवित्र आत्मा का मंदिर है जो उसमें निवास करते हैं। अगर पवित्र आत्मा हमारे मंदिर में रहते तो हम लोग को भी पवित्र बनना चाहिए। कैसे पवित्र बनना चाहेंगे? एक दूसरे को प्यार करके, एक दूसरे को सहायता करके, बुरी आदत को, बुरी काम को छोड़ के, पाप को छोड़ के, और जितना भी हम लोग गुनाह करते हैं, दोष करते हैं, या दूसरों के विरुद्ध भुनभुनाते हैं, दूसरों के विरुद्ध जो हम लोग प्रतिशोध लेते हैं, बदला लेते हैं, वो सब को छोड़ के भी हम लोग प्रभु के समान पवित्र बन सकते हैं। और हम लोग एक दूसरे के पाप क्षमा करके, एक दूसरे को माफ करके, क्योंकि प्रभु ने कहते हैं संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 35 में कहते हैं, जब तक आप लोग अपने भाई और बहनों को पूरे दिल से, सारे दिल से, अपने तन मन से माफ़ी नहीं करोगे, माफ़ी नहीं दोगे, माफ़ नहीं करोगे, क्षमा नहीं करोगे, तो आपके स्वर्गीय पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा। तो इसलिए हम लोग एक दूसरे को क्षमा करके, एक दूसरे को माफ़ करके भी प्रभु के समान बन सकते हैं, विश्वास में दृढ़ रह सकते हैं और प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की सान्निध्य में जी सकते हैं, मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों। और दसवीं बात यह है कि हम लोग प्रभु जो हम लोगों को आज्ञाएं दिए हैं, वो आज्ञा को पालन करके हम लोग को प्रभु के समान बन सकते हैं और उनके उपस्थिति में जिंदगी जी सकते हैं। जैसे कि उन्होंने कहा संत योहान के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 15 में, अगर आप या तुम लोग मुझे प्यार करते हो तो मेरे आज्ञा पालन करो, और मेरे आज्ञा पालन करने का मतलब मेरे समान बनोगे। और अध्याय 15 पद संख्या 12 से 17 तक वही कहते हैं प्रभु कि एक दूसरे को प्यार करो जैसे मैंने किया है। लेकिन मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, आज हम लोग दुनियादारी में जीते हैं और दुनिया के जाल जंजाल में फंसते हैं, नाम गंवाने के लिए, नाम कमाने के लिए पीछे भागते हैं और पावर पोजीशन के लिए पीछे भागते हैं, या कुछ घूसबाजी भी देते हैं और अपने आप को दिखाना चाहते हैं, हम लोग कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन प्रभु के लिए हम लोग के पास टाइम नहीं है। मैं बार बार यही कहता हूँ, हम लोग को सब कुछ करने के लिए टाइम है लेकिन प्रभु के लिए टाइम नहीं है। इसलिए आइए मेरे प्रिय माता पिता भाई और बहनों, मैं आप लोग को 10 बातें बता चुका हूँ कि कैसे हम लोग प्रभु की उपस्थिति में जी सकते हैं, अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास में दृढ़ बन सकते हैं और विश्वास की जिंदगी जी सकते हैं। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो आइए आज हम प्रभु से यही आशीष कृपा मांगे कि हम प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की सान्निध्य में जिंदगी जिएंगे और हमारे विश्वास को और भी दृढ़ और भी मजबूत करेंगे और प्रभु हम सबको इस मतलब के लिए आशीष और कृपा से भर दे। आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी कोई खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे, सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर और उनके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए और कुमारी मरियम से जन्म लिए, वो पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मार गए और अधोलोक में उतरे, और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्ति पिता ईश्वर के बहने विराजमान है और वहां से जीवंत मृतकों का न्याय करने फिर आएंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मिया की सहभागिता, पाप की क्षमा, शरीर के पुनर्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम लोग अपने अपने मतलबों को ईश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, क्रिस्त मृतकों में से जीव उठे हैं। प्रत्येक रविवार हम
यह पास का सानंद मनाते हैं, इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे हमारे, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हमारे संत पिता फ्रांसिस संसार भर के लोगों को परस्पर क्षमा और सहयोग के पाठ एवं उदाहरण से शिक्षा दें, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त की शांति के प्रभाव से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय झगड़े एवं बैर दूर हो, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। इस कलीसिया के सब परिवार ईश्वर की इच्छा के अनुसार मेल मिलाप और शांति में जीवन बिताएं, इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। यहाँ उपस्थित सब लोगों के मन और हृदय में दया भाव उमड़ पड़े, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हम उनके लिए भी प्रार्थना करें जो लूटपाट करते हैं अथवा दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं, हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जितने भी भाई बहन लोग आज के मिसा बलिदान में बलि चढ़ाए हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीष एवं कृपा वर्षा, ताकि वे लोग हमेशा चंगे रहें, स्वस्थ रहें, और खासकर इस कोरोना काल में वे लोग हमेशा ईश्वर के साथ बने रहें और इस बीमारी से बच सके, इसके लिए पिता से निवेदन करते हैं। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम लोग अपने अपने प्रार्थनाओं को, निवेदनों को ईश्वर के समक्ष रखें और प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, यहाँ उपस्थित विश्वासियों की प्रार्थनाएं कृपा पूर्वक सुन, उनके हृदय एवं मन को दया और प्रेम से भर दे। सबको दूसरों के अपराध क्षमा करने का पाठ पढ़ा, हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमेन। मुझको तेरे हाथों में समर्पित करता हूँ, मुझे अपना जान कर तुम स्वीकारो। मुझको और बहनों प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु आपकी नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए, हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपा पूर्वक ग्रहण कर, इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो जाए और हम अपना प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करे, हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी, प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं, हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें, या उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है,
कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करे। इसी भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी कर करके तेरे लिए पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसीलिए हम सभी दूतों और सब संतों के साथ तेरा गुणगान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। तेरी महिमा कृति प्रशंसा आज दिन है अवनी अंबर, तेरी महिमा जयकारों से गूंजता सारा संसार। प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन, प्रभु पावन हे पावन। पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन पावन प्रभु परमेश्वर सकल सृष्टि के जगदीश्वर, पावन 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 प्रभु तेरा नाम, पावन 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 प्रभु तेरा नाम। हे परमपिता तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। पिता परमेश्वर मैं करता हूँ तेरी आराधना तेरी स्तुति, तू मेरा जीवन सर्वस्व मेरे, तेरी आराधना तेरी स्तुति। यह है हमारा विश्वास का रहस्य,
क्रिस्त मर गए क्रिस्त जी उठे क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की स्मृति और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए, हमारे धर्माध्यक्ष एंटोनी पोला के लिए और सभी याचकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की विशुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। आज हम लोग उन भाई बहनों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो भाई बहन लोग आज के मिसा बलिदान में भेंट चढ़ाए हैं। प्रभु ईश्वर उन पर आपकी आशीष एवं कृपा बरसा ताकि उनके प्रार्थनाएं और उनके निवेदन हमेशा आप सुने और उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें। हे प्रभु, हमारे उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर भी दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक बने रहे और तेरा स्तुतिगान कर सके, तेरे पुत्र येसु ख्रिस्त के द्वारा। आमेन। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ, तुझे समादर तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आइए हम लोग ईश्वर को धन्यवाद दें और अपने जीवन में ईश्वर को हमेशा आदर्श मानकर चलें, जैसे कि हम लोगों को ईश्वर अपने प्रार्थना द्वारा सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की भी प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता येसु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य, तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु येसु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पाप पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमेन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम भाव रखें। जयसु जयसु जयसु। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर और रक्त हमारे लिए हमेशा बनी रहे। आमेन। Thank you.
पवर के बीच में तू कहता है तम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। पवर के बीच में तू कहता है तम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। बीत कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है कदा, आने वाले कल भी होगा। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छड़ा, बढ़ते हुए लहरों में तेरे कदमों के निशान। उठते हुए तूफानों में तू ही मेरी छड़ा, बढ़ते हुए तू कहता है तम जा, तू मेरी ताकत है, तू ही मेरा ईमान। इस कल में तू साथ मेरे था, आज भी मेरे साथ है कदा, आने वाले कल में भी होगा। उठते हुए मानों में पढ़ते हुए लहरों पे तेरे कदमों के निशान। उठते हुए पहाड़ों पे तू ही मेरी छटा, पढ़ते हुए लहरों पे क्रिस्त में। मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबों को एक बार जय यीशु, जय यीशु। आप लोगों को सूचना, छोटी सी सूचना, हम लोग अगले महीना से, मतलब दूसरा रविवार जुलाई महीना से हम लोग हिंदी मिशन फिर शुरू करेंगे, तो आप लोग ज़रूर आइए हिंदी मिशन, हिंदी मिशा में, बलीगुड़म में। अभी कोरोना काल थोड़ा कम होते जा रही है, तो हम लोग भी अपना मिशन शुरू करेंगे, ताकि ईश्वर को हम लोग खोना नहीं चाहते हैं, हम लोग ईश्वर का संदेश को, वचन को बांटना चाहते हैं आप लोगों के साथ। तो आप लोग ज़रूर आइए बलीगुड़म में, जहाँ पर हम लोगों का हिंदी मिशा होती है, खासकर सिकंदराबाद और हैदराबाद में जितने भी भाई बहन लोग रहते हैं, हिंदी मिशन में आना चाहते हैं, ज़रूर आइए, ताकि हम लोग इस मिशन को आगे बढ़ा सकेंगे आप लोगों के द्वारा। अभी हम लोग फ़िलहाल में हिंदी मिशा बलिदान ऑनलाइन हम लोग कर रहे हैं, खासकर संगमम प्लस टीवी ऑनलाइन मिशा कर रहे हैं। तो आप लोग अगर अपना निवेदन देना चाहते हैं, अपना प्रार्थना चढ़ाना चाहते हैं, बलिदान देना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर आगे आइए और दीजिए, ताकि हम लोग अच्छा से आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकें, और पवित्र बलि में आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए आप लोगों को ईश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे, आप लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना कर सकेंगे। और आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ बांटिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत सारे प्रोग्राम 24 घंटा आती है। तो आप लोग ज़रूर हमारे प्रोग्राम को देखिए, और इस चैनल में खासकर तेलुगू, इंग्लिश, तमिल, हिंदी, अनेक तरह के भाषाओं से ये प्रोग्राम प्रसारित की जाती है, तो आप लोग ज़रूर देखिए, ताकि आप लोगों को ईश्वर हमेशा इस चैनल द्वारा, इस चैनल के मध्यस्थ द्वारा आप लोगों को आशीर्वाद दे सके। आइए हम लोग सभी कोई खड़े हो जाएंगे अंतिम प्रार्थना के लिए।
प्रभु कहते हैं भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। हम प्रार्थना करें हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिलता है। जिन प्रभु के आदर में हम यूखरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें, यह हम प्रार्थना करते हैं उन्हें हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को हमेशा आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग भी डाले प्रभु की शांति और प्रेम में जीवन बिताए। परमेश्वर को धन्यवाद। एक बार सबों को जय यीशु। आप लोगों का शुभ हो, आप लोगों का दिन शुभ हो। धन्यवाद। प्यारी माँ मरिया हमारी माँ, ओ प्यारी माँ मेरे प्रभु की माँ, तू है माता हमारे, तू है कल्याणी नारी, यीशु प्रभु की दुलारी, तू हे माता हमारी, तू हे कल्याणी नारी, यीशु पिता की बुलारी, ओ प्यारी माँ मरिया हमारी। Yeah.